अलजेब्रा के गुना है वह दो अंक वाला, कुछ वाला बाबू दो अंक वाला, एकरा से हमको गुना करना है इसमें, और एकरे से गुना है करना है केदा में, ये बात समझ में आया? मतलब पहला को उठा के दोनों से गुना कर देना, और दूसर का उठा के दोनों से एकरों से गुना एकरा में कर देना है, और एकरे से उठा के एकरा में गुना, ये बात पहले समझ गए? आइए पहला गुना चिन्ह के साथ करते, एक आगे चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस, एक आगे चिन्ह कुछ नहीं है तो कुछ है प्लस, प्लस और प्लस कुछ होता है प्लस, और आगे प्लस नहीं दिखा। अब संख्या गुना कर दीजिए, सात में दो से गुना किए तो सात दूनी चौदह, कोई दिक्कत? ए में ए से किए तो ए से, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? तो सात में एक से गुना कर दिया, अब सात में एक से गुना कर रहा है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 सात, यहाँ संख्या कुछ ना देख ना, सात में एक से गुना करेंगे ए में बी से करेंगे तो दिक्कत हुआ? सात से बाबू दोनों में गुना कर दिए ना, अब पांच से गुना करना है दोनों, तो यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस है प्लस, पांच में दो से करेंगे तो पांच दो नहीं यहाँ ये अकेले यहाँ तो कुछ होना है तो कुछ होगा दस, ये कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू प्लस प्लस प्लस, पांच में एक से करेंगे तो पांच एक पांच, हाँ बी अकेले तो कुछ हो जाएगा बी, कोई दिक्कत? अब बताइए सब अलग अलग है, कुछ ना जुटेगा ना कोई घटेगा, आंसर अकेली ना है, ये भी अकेली ना है, ए अकेली ना है, बी अकेली ना, अकेले अकेले थोड़ी जुटता है, दो तीन गो रहेगा तो ना जुटेगा घटेगा ना, समझ में आ गलो तो एक और देखा ध्यान से समझने की कोशिश करना है बाबू। अगला सवाल है टू एक्स प्लस चार वाई इंटू बाबू रे फोर एक्स माइनस सेवन वाई, देखिएगा ध्यान समझिएगा बाबू रे, हम क्या बोले कि एक को उठाना है दोनों से गुना कर देना, जैसे टू एक्स उठाया एकरा से गुना कर देंगे चार एक्स, और एकरे उठा के एकरा से गुना कर, कोई दिक्कत है? उसी तरीके से नी वाला को उठा के एकरा से गुना कर देना है, और एकरे से उठा के एकरा से गुना कर, कोई दिक्कत? लेकिन पहला गुना चिन्ह के साथ कर, आगे कुछ ना तो कुछ है प्लस, और एकरो आगे कुछ ना तो कुछ है प्लस, प्लस 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 आगे प्लस नहीं दिखा, आपका ये संख्या में चार में दो से करेंगे तो चार नहीं आठ, एक में एक से करेंगे तो एक से दस, कोई दिक्कत? अब एक से उठा के एकरा में गुना करना है कि ना, ये प्लस है ये है माइनस, अब प्लस माइनस चिन्ह पर विशेष ध्यान देना, अब दो में सात से करेंगे तो सात दो नहीं चौदह, ये एक से ये है बाई, तो कुछ एक्स वाई एक्स वाई, कोई दिक्कत? बताओ एकरा से दोनों में गुना हो गया ना, अब एकरा से गुना करेंगे तो ये प्लस ये है प्लस, तो प्लस प्लस है प्लस, चार में चार से करेंगे तो चार चौके सोलह, एक्स वाई दोनों एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कहिए चाहे बाईस, कोई दिक्कत ना है आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, अब एकरा से राम गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, चार में सात से तो सच्चा अट्ठाईस, यहाँ बाई है यहाँ बाई है तो बाई गुने बाई बाईस, कोई दिक्कत? देखिए दोनों एक है कि ना, ये भी तो एक्स वाई है ये भी एक्स वाई, ये दोनों जुटे घटेगा ना, ये तो अकेले है तो अकेले रहेगा आठ एक्स स्क्वायर, ये बताइए माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस घटेगा बड़ा में से, तो सोलह में से चौदह जाएगा कितना बचेगा जी दो, और एक्स वाई अब बताओ चिन्ह प्लस रहेगा कि माइनस, क्योंकि बड़ा सोलह है और सोलह के आगे प्लस है यहाँ भी प्लस ही ना होगा जी, आइए अकेले तो अकेले रहेगा माइनस अट्ठाईस बाई, कोई दिक्कत? उम्मीद करते हुए कि गुना बन जाना चाहिए, आराम से बनाइए सब बनेगा।